आज की डेट में हम अपने डाइट में जो भी फूड इन्वॉल्व करते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है कि उस फूड के ज़रिए हमारी बॉडी के ऑल न्यूट्रिशन कवर नहीं हो पाते हैं, और कवर ना हो पाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है और हेल्थ इश्यूज होते हैं वो दिखने लगते हैं, और जिसकी वजह से हम कई सारे सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक मल्टीविटामिन के कई सारे कैप्सूल अपने डाइट में इन्वॉल्व कर देते हैं, इसके साथ फिश ऑयल लेना स्टार्ट कर देते हैं, विटामिन ई कैप्सूल और ओमेगा 6-9 ये सब कैप्सूल जो आते हैं मार्केट में सप्लीमेंट के तौर पे हम इसे अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को कवर कर सके। सबके लिए एक इंडिविजुअल करके हम सप्लीमेंट लेते हैं और उस न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, तब जाके हमारे सारे इश्यूज़ जो होते हैं धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक ड्रिंक की रेसिपी और उसके बेनिफिट के बारे में बताऊँगी जो कि आपके ये सारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेंगे, और इसके बिहाफ में आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कीप वॉचिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं ज्योति, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं जेबी शॉर्ट्स में, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके मैं लंबा नहीं खींचूँगी, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ये जो ड्रिंक है वो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, और इस ड्रिंक को केवल 30 डेज़ ही आप लोग को लेना है, और उसका जो मैजिकल रिजल्ट है यू कैन सी। जो बीच में वीडियो मेरा जो गैप बना था उसमें मैंने कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं किया था, ना अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी, कोई पैक वगैरह रेमेडी नहीं फॉलो कर रही थी, ना हेयर पे कर रही थी, और कई न्यूट्रिशन जो थे वो फूड कम लेने की वजह से डेफिशिएंसी भी आ गई थी जो मुझे फेस करना पड़ रहा था, लेकिन केवल 30 डेज़ मैंने इस ड्रिंक को फॉलो किया तो वो न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक कवर हो गया, और साथ ही जो एनर्जी लेवल है और मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। और ये आप देख सकते हैं, मेरे कई वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी स्किन जो है काफ़ी कटी कटी और फटी फटी रहती थी, उस पर ब्लैक ब्लैक, वो एक्चुअली अनार का जो जूस होता था वो लगा हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से वो काला हो गया था। तो अब वो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, इवन नेल्स ब्रोकन जो रहते थे वो भी क्वालिटी अच्छी हो गई है, साथ ही हेयर इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए, और मेरे स्किन में छोटे छोटे थोड़े थोड़े तिल जैसे दाने थे और पैचेस टाइप में हो जाते हैं एक एज के बाद, तो वो भी थे, लेकिन इस ड्रिंक को लेने से काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। तो जी हाँ गाइज, ये जो ड्रिंक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वाला है, और ये है व्हीट ग्रास ड्रिंक। सिंपल व्हीट ग्रास ड्रिंक है। व्हीट ग्रास जूस में ऐसे हिडन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के हर एक न्यूट्रिएंट को कवर करते हैं, लाइक विटामिन ए, ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड। वन मोर थिंग, इसमें 17 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और हमारी बॉडी में 7 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको कवर करने के लिए, जो कि हमारी बॉडी खुद से जनरेट नहीं कर पाती है, इसके लिए हम अलग से फूड या सप्लीमेंट लेते हैं, और ये जो व्हीट ग्रास जूस है उसको भी कवर कर देता है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। इसे एक तरह का डिटॉक्सिफाइंग जूस भी बोला जाता है और ब्लड प्यूरिफाइंग जूस भी कहा जाता है, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, इसीलिए हार्ट और लंग्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और इसके साथ ये एक तरह का अल्कलाइन फूड है। अब अल्कलाइन फूड क्या होता है, अगर बहुत से लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो जानते होंगे, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो अल्कलाइन फूड ऐसे होते हैं जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे वहीं रिजॉल्व कर देते हैं, जिसमें रिच फाइबर होता है और आपके डाइजेशन और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि व्हीट ग्रास जूस में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, आपके स्किन से डलनेस और सन टैन को रिमूव करने में काफ़ी मदद करता है। और ये जो जूस है वो जवार पाउडर, रस और कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से लेती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरल तरीके से उगाया हुआ जो आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी में वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वही आप उसे मार्केट से रेडीमेड परचेस किया हुआ कंज्यूम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ पे मैं व्हीट ग्रास जूस बनाने के लिए व्हीट को इस तरीके से स्प्राउट होने के लिए रख देती हूँ, आप देख रहे हैं इसे मैं ढक कर रख दिया है, समय समय पे यहाँ पे मैं पानी का स्प्रे करती रहती हूँ। इसके बाद आप
एक हफ्ते बाद देखेंगे जो वीट ग्रास है वो स्प्राउट होके कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। ये मैंने रूम टेम्परेचर में ही रखा हुआ है और अंदर ही रखा हुआ है। फ्लोरोसेंट कलर का एक पौधा जो है वो हो जाता है तैयार। अब हम इसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए केवल आप इसे धूप में रख दीजिए, तो ये पूरा हरा भरा एकदम हरियाली की तरह नज़र आने लगेगा। यहाँ पे ये एक ट्रे हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम उसे पूरा एक ही दिन में ख़त्म नहीं करेंगे, तो इसे 3 दिन तक हम लगातार चलाएंगे। तो इसका 1/3 पाद हमने काट लिया है इस तरीके से। अब आप इसे धो लीजिए, और सबसे अच्छा अगर आपको रिज़ल्ट देखना है और इसे एज अ मेडिसिन ट्रीट करना है आपको अपने बॉडी और हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे आप इसे कूट कूट के इसका जूस निकालेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है कि जिस चीज़ को जितना आप घिसेंगे उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और उसमें जो पावरफुल एंजाइम होते हैं बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और आपके बॉडी में उसका जो इफ़ेक्ट होता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कूट के हमने केवल 2 चम्मच निकाला है, और ये 2 चम्मच आपकी बॉडी को एज अ मेडिसिन ट्रीट करने के लिए सफिशेंट है। या फिर आप इसे ग्राइंड में 1 ग्लास पानी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को और बढ़ाने के लिए, इस ड्रिंक को और पावरफुल बनाने के लिए मैंने कुछ लीव्स जो हैं वो तुलसी के भी ऐड किए हैं। ग्राइंड करने के बाद आप इसे छान लीजिए। तो अब ये जो ड्रिंक है वो आपका पीने के लिए रेडी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर रखा हुआ जो 2 चम्मच है आप उसे पी सकते हैं, और चाहें तो 1 ग्लास पी सकते हैं। दोनों ही इक्वल न्यूट्रिशन आपके बॉडी को देंगे, लेकिन दोनों ही ड्रिंक को बनाने के जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। इस जूस को लेने का सही टाइमिंग अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, तो मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो आप इसी जूस से स्टार्ट करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ब्रेकफास्ट से 1-2 घंटे पहले आप इससे ले सकते हैं। इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, इस वजह से इसे डे टाइम में लेना प्रेफर किया जाता है, और गर्मियों के दिन में लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, आपकी बॉडी को काफ़ी ठंडक मिलती है। और 1 महीने तक लेने के बाद इसे आपको गैप कर देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें एडिक्टेड ना हो जाए और उसमें रिस्पॉन्स करना बंद ना कर दे। तो इसीलिए इसे एज अ मेडिसिन ट्रीट करते हुए पिया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सो गाइज, ये था आज का हेल्पफुल वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसे करना है लाइक शेयर, और मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू सून।